नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल। चल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते इकोनॉमी को बूस्टर डोज दिया है। वित्त मंत्री के बूस्टर डोज से बाजार ने भी रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। जी हां, बाजार के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के बीच निवेश की आखिरकार आपकी क्या रणनीति हो, मौजूदा समय में निवेश एक मुश्त करना सही है या फिर सिप्स के जरिए निवेश किया जाए, और क्या नए निवेशकों के लिए निवेश शुरू करने का ये मौका सही है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट के को-फाउंडर क्षितिज महाजन जुड़ गए हैं। क्षितिज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो शो में चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने तमाम दर्शकों को बता देते हैं कि अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और क्षितिज से अपने कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है। ट्विटर और फेसबुक के जरिए आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। हमारे दोनों प्लेटफॉर्म्स पे इस वक्त हमारा ये शो लाइव है, वहां पर आपको जाना है और अपने सवाल कॉमेंट सेक्शन में टाइप करने हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले आधे घंटे में आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों को शो में शामिल कर पाएं। तो क्षितिज, जैसे बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था उस टाइम तो बहुत ज्यादा निवेशक घबराए हुए थे। अब जब से बाजार में ये बूम देखने को मिल रहा है तो लोगों की स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं चेंज होती जा रही है। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि जब बाजार गिरता है तो निवेशक सोचते हैं कि पैसा इस वक्त निकाल लेना चाहिए, लेकिन अब जब चूंकि बाजार चढ़ रहा है तो लोग ये सोच रहे हैं कि पैसा हमें डाल देना चाहिए और वो भी लमसम इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। तो लमसम की स्ट्रैटेजी पर सबसे पहले बात करते हैं, एक मुश्त निवेश जो है इस वक्त करना कितना सही रहेगा। सो पल्लवी, इस पे एक मेरे को कबीर का दोहा याद आता है जिसको ट्विस्ट करके हम बोल सकते हैं कि गिरती मार्केट में इन्वेस्टमेंट कोई ना करे, बढ़ती मार्केट में करे सब करे। सो अगर गिरती मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे तो दुख काय को होए, एवरेज आउट हो जाता है आपका। तो जैसे आपने बताया कि दो दिन में ही पूरे सेंटिमेंट चेंज हो गए हैं मार्केट के, अब हर बंदा चाहता है पार्टिसिपेट करना इक्विटी को। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें अपने एसेट एलोकेशन में बने रहना है, जो भी गोल प्लान के हिसाब से है। अगर आप 60% इक्विटी में हैं और 40% डेट में हैं तो आप उस पर बने रहिए। जो रिसेंट आपने रैली देखी है मार्केट में, जो एक बहुत बड़ा बूस्टर हमारी जो वित्त मंत्री ने दिया है इकोनॉमी के लिए, कॉर्पोरेट टैक्स जो काटा गया है, और वो एक अपने आप में बहुत बड़ा रिफॉर्म है। पहले मैं इस रिफॉर्म को 1991 के रिफॉर्म से बड़ा रिफॉर्म मानता हूँ। इतना बड़ा रिफॉर्म है और एक साथ एक रिफॉर्म आया है जो देश को, देश की कंपनीज़ को, देश के जनता को एक डिफरेंट लेवल पर ले जाएगा। तो इस कारण से इंडियन डोमेस्टिक बायर्स ने भी और फॉरेन बायर्स ने भी इसको सल्यूट दिया है। और आप देखिए, फ्राइडे और मंडे दो दिन में कोई हमने लगभग 9% के आसपास की, 9 से 10% के आसपास की रैली देखी है। बट यहाँ पे जो भी दर्शक यहाँ पे इन्वेस्टेड थे, उनके लिए वो चीज़ उनके पोर्टफोलियोज में रिफ्लेक्ट हुई है। और इंटरेस्टिंग बात पहले भी ये नहीं है कि 9 से 10% का रिटर्न आया है। इंटरेस्टिंग बात यह है, 3 साल से जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे थे और वो कह रहे थे रिटर्न नहीं आ रहा है, वहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि दैट ऑन एन एवरेज देखिए आप 2.5 से 3% के करीब का कंपाउंडिंग में इंक्रीज आ गया है उनके पोर्टफोलियो में। सो अपने आप में एक ये बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है इक्विटी मार्केट को लेके। और जैसे कि हम अपने शोज में हमेशा बोलते आए हैं, दो ही एक्सपेंडिंग एसेट क्लास है, जो इक्विटी सबसे अच्छा एसेट क्लास है आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो जो क्लाइंट्स बने हुए हैं वो बने रहें, जो और पैसा लगाना चाहते हैं इस बाज़ार में तो ये बहुत अच्छा लेवल है मार्केट का अभी। बट एज़ हम हमेशा बात करते हैं, कोई जल्दी में नहीं लगाएं। आज की डेट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 2 महीने की STP करें। और जो फंड्स अपने आपके एडवाइज़र के थ्रू या अपने आप AMC में सीधी बात करने के थ्रू आपको बोले जा रहे हैं, उसमें आप लमसम में भी 2 मंथ की STP करें। बिल्कुल, तलमसम में भी इस टाइम पे आपको जो है STP ही करनी चाहिए, वो आपके लिए बेहतर रहता है। लेकिन जैसे कि क्षितिज मैं कह रही थी कि बाजार जब गिरता है तब उस बारे में कोई नहीं सोचता है कि ये सही मौका है हमारे लिए लमसम डालने का पैसा, या फिर हम जो है अपनी सिप्स को कंटिन्यू रखें, क्योंकि जब बाजार गिरता है तो लोग अचानक सोचते हैं चूंकि उनका रिटर्न निगेटिव जा रहा है तो तुरंत फंड बदलने के चक्कर में पड़ जाते हैं, और ऐसे में वो ऐसे फंड को चुनना चाहते हैं जिसमें थोड़ा बहुत भी उनको रिटर्न जो है वो पॉजिटिव में दिख रहा होता है। ठीक इसी तरह से चूंकि चढ़ रहा है तो ऐसे में हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में डाल दूं। तो ऐसे में क्या एक मुश्त निवेश यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छा है भी या नहीं है, या अगर कोई व्यक्ति करे तो कौन ऐसे निवेशक हैं जो लमसम इन्वेस्टमेंट करे, क्या तमाम लोगों को करना चाहिए इस वक्त? पल्लवी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। जब मार्केट गिर रही होती है तो सेंटिमेंट्स इतने नेगेटिव होते हैं कि तब क्लाइंट सोचते हैं यार शायद इक्विटी एक सही प्लेटफॉर्म नहीं है, या हमारे तो पैसे जो लगाए थे वो FD से भी कम रिटर्न दे रहे हैं।
पर क्लाइंट ये समझिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जैसे एफडी आपको हर साल में एक रिटर्न देता है, इक्विटी लीनियर रिटर्न नहीं देता है, पर इक्विटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको कंपाउंडिंग में 10-11% प्लस रिटर्न देने की क्षमता रखता है, क्योंकि इक्विटी कुछ नहीं है बट एक इन्वेस्टमेंट है उन कंपनीज के अंदर, आप पार्टिसिपेट करते हैं उन कंपनीज के अंदर जिनकी अंडरलाइंग अर्निंग 15-18% से ग्रो करती है, और जब वो अर्निंग ग्रो करती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है आपके प्राइस में। अब जब बाजार बढ़ रहा होता है तो सब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आपने बोला एक मुश्क निवेश करना ठीक है कि नहीं है, तो उसका आंसर ये है कि दैट अगर किसी के लिए पैसा किसी का जो है अगले 10-15 साल का पैसा है तो वो एक साथ इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि अगर जर्नी 100 से 1000 की है तो आप अगर 100 पे आएँ, 120 पे आएँ, 130 पे आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका 15 साल का पैसा है आप आज इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की रिटायरमेंट बेहद करीब है या कोई रिटायरमेंट के बेहद पास है तो उसके लिए क्या सलाह रहेगी, क्या उसे रिटायरमेंट के आसपास जो है लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? को लेकर रिस्क एपेटाइट है पल्लवी, तो उस केस में आप मैं ये एडवाइस करूंगा वो कर सकते हैं इन्वेस्ट, अगर उनको ये पैसा अगले 5-6 साल के लिए नहीं चाहिए है, इक्विटी में कम से कम 5-6 साल का होराइजन होना चाहिए, तो वो अगले 2 महीने की एसटीपी कर दें। देखिए आपने कल इन्वेस्ट किया या अगले 2 महीने में वीकली इन्वेस्ट किया, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखिए आज बाजार बड़ा हुआ था, फ्राइडे को बड़ा हुआ था, हो सकता है कल थोड़ा और बढ़ जाए, पर इवेंचुअली थोड़ा स्टेबल होगा ये बाजार यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज आगे भी मिलती रहेंगी, तो उससे अच्छा है कि क्योंकि आपको पता नहीं अपॉर्चुनिटी कब आने वाली है। जैसे कि किसी को नहीं पता था कि फ्राइडे को अनाउंसमेंट ऐसी है, थर्सडे को ऐसी अनाउंसमेंट आएगी और फ्राइडे को मार्केट ऊपर जाएगी, तो सबसे अच्छा तरीका उसका यही है कि आप एक 2 महीने की 8 वीक की एसटीपी या 10 वीक की एसटीपी कर दीजिए। मानिए किसी ने 1,00,000 रुपया लगाना है तो 10,000 वीकली एसटीपी कर दीजिए एक फंड में, तो वही तरीका जो रिटायर हो रहा है उसके लिए बिल्कुल सही है। बिल्कुल, तो अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं यानी कि एकमुश्त निवेश करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो एसटीपी आपके लिए सबसे बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट करते करते आपको और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्षितिज एक सवाल शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास ईमेल के जरिए आया हुआ है नीरज कुमार का। नीरज कुमार बताते हैं कि उनकी उम्र 33 साल है और म्यूचुअल फंड में इन्होंने 10,500 की SIP की हुई है और इनका होराइजन जो है वो 25 से 30 साल का है, तो इन्हें 30 साल में जो है 7 करोड़ रुपये चाहिए और हर साल ये बताते हैं कि 10% की जो है बढ़ोतरी करेंगे, तो ऐसे में निवेश जो है वो जानना चाहते हैं सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पोर्टफोलियो पे बेसिकली इनको राय चाहिए। इनको ये फंड्स मैं आपको बता देती हूँ, इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, LNT इमर्जिंग बिजनेस और एक्सिस ब्लू चिप फंड है और साथ ही SBI स्मॉल कैप है। तो आप क्या सलाह देंगे कि इन फंड्स में कुछ बदलाव की जरूरत है? पल्लवी स्टॉक सिलेक्शन और सॉरी फंड सिलेक्शन इनका बहुत अच्छा है और 10,500 के करीब की ये सिप कर रहे हैं और ये बता रहे हैं 7 करोड़ की कोई राशि चाहिए इनको 30 साल के अंदर। सो 10,500 को अगर इन्वेस्ट करते हैं और हर साल ये इसको 10% से स्टेप अप करते हैं इस सिप को, तो कोई 7.25 करोड़ के आसपास 12% के हिसाब से इनके पास इकट्ठा होता है, जो इनके टारगेट अमाउंट से एक थोड़ा अमाउंट ज़्यादा ही इकट्ठा होता है। अगर इसे स्टेप अप नहीं करते हैं तो ये कोई राशि अगले 30 साल में कोई 3 करोड़ के आसपास इकट्ठी होगी। तो फंड सिलेक्शन सही है, 10,500 एक अच्छा अमाउंट स्टार्ट किया है इन्होंने, जल्दी सिप शुरू करा है और स्टेप अप करने की बात कर रहे हैं हर साल 10%, अगर उस पर स्टिक करते हैं तो जो गोल के लिए ट्राई कर रहे हैं उसे वो प्राप्त कर सकते हैं। पर फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा जब भी आपको मौका लगता है 10% से ज़्यादा भी अगर आप सिप अपना अमाउंट बढ़ा सकें उतना ही आपके लिए बेटर होगा। बिल्कुल तो नीरज जी आपके लिए सलाह ये है कि जब आपको मौका लगे आप अपने निवेश में बढ़ोतरी जरूर करते जाइएगा, इससे आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे। अच्छा क्षितिज अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हम बात कर रहे थे कि चूंकि बाजार जैसे जैसे चल रहा है तो लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना अब ये सही स्ट्रैटेजी रहेगी कि निवेश कर लिया जाए, तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति एकमुश्त निवेश करना चाहता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 दिनों की बात करें तो शुक्रवार हो या फिर आज का बात हो तो काफी मार्केट में हमें देखने को मिला कि मार्केट काफी चढ़ी हुई थी, तो ऐसे में क्या कुछ दिनों का और इंतजार करना चाहिए थोड़ी सी मार्केट स्टेबलाइज हो जाए या एसटीपी ही सही एक रूट रहेगा? पल्लवी 2-3 चीजें हैं इसमें जो जिसका हमें ध्यान रखना है। आज की डेट की अगर मैं बात करूं, कोई अगर लार्ज कैप फंड में या मल्टी कैप फंड में आना चाहता है यहाँ पे, सो जहाँ पे आप हमने देखा कि लास्ट 15-18 मंथ्स का रिटर्न कुछ खास नहीं था और आखिरी के 2 दिन में ज्यादातर फंड्स ने कोई 9-10% का रिटर्न दिया है या मानिए 7-10% के करीब का रिटर्न आया है, उस केस में कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है तो बिल्कुल जल्दी में कल या परसों में इन्वेस्ट ना करके अगले 2 महीने में वीकली एसटीपी करें, वही तरीका सही है।
अब कोई मिड कैप और स्मॉल कैप में करना चाहता है तो उसमें पूरा दो महीने का ना करके एक महीने की एसटीपी करी जा सकती है, पर वो टोटली रिस्क एपेटाइट पे है, जिसका भी होराइजन इन्वेस्टमेंट का 7 से 10 साल से ऊपर का है वही सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में आए। अगर 7 साल से कम का होराइजन है तो उसके लिए मल्टी कैप और लार्ज कैप फंड है, उसमें इन्वेस्ट करें। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कल को कोई बंदा बैंकिंग इंडेक्स फंड में या बैंक निफ्टी इंडेक्स फंड्स में या बैंक ETFs में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए वो लमसम भी इन्वेस्ट कर सकता है आज की डेट में। तो वो पॉसिबिलिटी आज भी है जहाँ पे वो अगले 5 से 7 साल के लिए करना चाहता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर यहाँ से और अच्छा करेगा। क्षितिज, हमने लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में तो काफ़ी बारीकी से चर्चा की, लेकिन एक ऐसा तरीका होता है जिसे कहा जाता है कि बाजार चाहे जैसा मर्जी हो, लेकिन अगर आप उस तरीके से निवेश करते हैं तो किसी तरह का डर नहीं लगता। हम बात कर रहे हैं सिप्स की, तो ऐसे में सिप्स जो है आज भी एक बेहतर तरीका ही रहेगा इस मार्केट की सिचुएशन में भी। सही पल्लवी, सिप्स से बेटर इन्वेस्टमेंट व्हीकल कोई और हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक तो आपकी जो भी बाइंग होती है सिप में हर मंथली बेसिस पे, उसे वो एवरेज आउट कर देता है, चाहे मार्केट ऊपर हो और नीचे हो, और आपका कॉर्पस खड़ा होता रहता है। अब देखिए, किसी ने पिछले 2 साल में अपनी सिप करी हो और हर मंथली उसने 100 यूनिट्स बाय करे हो, तो कोई 2400 यूनिट्स उसके पास इकट्ठे हो गए। अब 24 यूनिट्स 100 यूनिट्स हर महीने डिफरेंट प्राइस पाए होंगे, पर पिछले 2 दिन के अंदर ऑन एन एवरेज 8-9% का रिटर्न है उन यूनिट्स के अंदर। तो आपका एक कॉर्पस इकट्ठा होता है, और मार्केट जब भी रिवॉर्ड देती है वेरियस कंपनीज को जो एक फंड्स में होती है, तो उसका इफेक्ट आप रिटर्न में सिप में देखते ही हैं। बट येस, अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो होराइजन है या कॉर्पस जो है वो 1 साल से कम का है, मानिए वो कोई कह रहा है कि मेरे पास मंथली फ्लोज का कोई इतना सर्टेनिटी नहीं है, पर मेरे पास कोई 5 लाख 10 लाख 1 लाख जो भी राशि, 1 करोड़ 2 करोड़ राशि पड़ी हुई है जो मैं अगले इक्विटी मार्केट में लगाना चाहता हूँ, उसके लिए एसटीपी एक बेटर व्हीकल है। क्योंकि सिप के लिए फिर आपको होराइजन चाहिए जो 3-4-5 साल से लंबा हो, उससे कम में सिप का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप 1 साल की एसटीपी कर सकते हैं जहाँ पे आप रिस्पेक्टिव लिक्विड फंड्स में, मानिए आप कोटक फोकस्ड फंड में लगाना चाहते हैं या मल्टी कैप फंड में लगाना चाहते हैं, मोतीलाल मल्टी कैप 35 में लगाना चाहते हैं, तो उनके रिस्पेक्टिव लिक्विड फंड में डाल दीजिए और वहाँ से वीकली अपनी एक एसटीपी शुरू कर दीजिए। और अगर कॉर्पस बड़ा है तो वो 8 महीने के लिए कर दीजिए, अदरवाइज 3 से 6 महीने के लिए आप एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सिप इज अ बेटर व्हीकल। बिल्कुल तो कोई भी मार्केट की सिचुएशन हो, चाहे मार्केट में आपको उतार देखने को मिले या चढ़ाव देखने को मिले, ऐसे में अगर आप सिप्स के जरिए निवेश करते हैं तो जैसे कि क्षितिज ने भी बताया, ये आपके लिए सबसे बेहतर जो है साबित हो सकता है। क्या क्षितिज, एक सवाल और शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास फेसबुक के जरिए आया हुआ एक लाइव सवाल है रविंदर सिंह का। रविंदर सिंह ने एक फंड का नाम दिया हुआ है ABSL फ्रंटलाइन, इसके बारे में ये जानना चाहते हैं। 4,000 रुपये का प्रति माह निवेश ये कर रहे हैं, लेकिन हालांकि इन्होंने ये नहीं लिखा कि कितनी देर के लिए निवेश करना चाहते, बट ओवरऑल ये फंड कैसा है और क्या अगर लंबे समय के लिए इसमें निवेश करना तो क्या ये ठीक है? रविंदर जी, लार्ज कैप फंड है आदित्य बिरला फंड, अपना ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी एंड उनका फ्लैगशिप फंड है, बहुत अच्छा फंड है। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि आपकी आयु अगर कम है और आपका जो गोल प्लान है वो लंबे समय के लिए है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसके साथ 1-2 मल्टी कैप और 1 मिड कैप फंड भी ऐड करें। अगर आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब मानिए 5-7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से ये फंड बिल्कुल अच्छा फंड है। अगर आप उसे लंबे गोल के लिए करना चाहते हैं तो आप इन्हीं का कोई एक, जैसे आदित्य बिरला का इक्विटी एडवांटेज फंड है वो ले सकते हैं, या आदित्य बिरला का MNC फंड है वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर फिर आपका जो गोल प्लान है वो 7 साल से कम समय का है, तो उसके हिसाब से ये फंड बहुत अच्छा फंड है। बिल्कुल, तो 7 साल से कम समय का अगर आपका गोल प्लान है तो उसके लिए ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। एक सवाल और शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास ईमेल के जरिए आया हुआ है मनीष गुप्ता का। मनीष गुप्ता बताते हैं कि इनकी उम्र जो है 21 साल है और 1500 रुपये की ये सिप्स जो है वो शुरू करना चाहते हैं। रिटायरमेंट के लिए इन्हें 39 तक जो है निवेश करना है और उसके बाद जो है इन्हें 2-3 करोड़ रुपये चाहिए, तो ये शायद अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। LTCG टैक्स कैसे बचाएं इसे लेकर वो सुझाव भी चाहते हैं। और मनीष के चुने मैं आपको फंड्स बता देती हूँ जिनमें ये निवेश करना चाहते हैं। मेरा एसेट लार्ज कैप, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमर फंड और कोटेक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है। तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप मनीष को? और अच्छी बात तो ये है कि 21 की उम्र में जो है इन्होंने निवेश की शुरुआत करने की सोच भी ली है। वही देख रहा था बल्बी कि इतनी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं शुक्रिया करूँगा आपके शो का जो सभी दर्शकों को जागरूक कर रहा है कि एक बहुत अच्छा व्हीकल है जिसके थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी गोल प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। तो मनीष, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पे बहुत जल्दी अपना सफ़र आपने शुरू किया है।
और जहाँ तक बात रहती है आप 1500 रुपये की सिप कर रहे हैं तीन फंड्स में, उसमें से क्योंकि आपके पास हॉराइजन 39 साल का है, तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप मेरे एसेट इंडिया इक्विटी फंड जो अब लार्ज कैप हो गया उसकी जगह उन्हीं का मेरे इमर्जिंग म्यूचुअल फंड ले दीजिए जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है, बाकी दोनों फंड ठीक है। तो 1500 रुपये अगर आप अगले 39 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और मानिए 12% के हिसाब से आपको रिटर्न आता है तो करीबन 1.6 CR के आसपास का कॉर्पस इकट्ठा होगा आपका। जो आप 3 crore की बात कर रहे हैं अपना कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए, उसके लिए आपको ये सिप जो है वो 3000 तक लेके जानी पड़ेगी। तो अगर 3000 के सिप करते हैं तो आपका कोई 3.2 CR के आसपास का कॉर्पस इकट्ठा होगा। पर मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जब भी कैश फ्लोज बढ़े, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट ही किया है अपना जर्नी और ऑब्वियसली आने वाले टाइम में आपकी आय भी बढ़ेगी, और जब भी कैश फ्लोज बढ़े आप अपनी सिप का अमाउंट है वो इंक्रीज़ करते रहिए, क्योंकि जितना आप सिप का अमाउंट इंक्रीज़ करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। मानिए आज के 9 साल के बाद अगर आप 20,000 भी कर लेते हैं, आज नहीं 9 साल के बाद इसको 20,000 कर लेते हैं और अगले 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं इस राशि को, तो कोई 7 crore के करीब का कॉर्पस आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल। तो मनीष जी, जैसा कि क्षितिज ने आपको कहा है कि जब जब आपका कैश फ्लो बढ़ेगा वैसे वैसे आप अपना निवेश जरूर बढ़ाते जाएगा। क्या क्षितिज, अंत में मैं जानना चाहूंगी कि मार्केट का पूरा ये जो करंट सिचुएशन है, ऐसे में अगर निवेशक निवेश करना चाह रहे हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करना चाह रहे हैं, किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और सिप या लमसम या STP कौन सा सबसे बेहतर जरिया रहेगा? सो पल्लवी, इसमें दो चीज़ें डिपेंड करती हैं, एक तो निवेशक का अपना रिस्क एपेटाइट क्या है और दूसरा उसका होराइजन कितना है। मानिए मैं इसको 3 भागों में बांटता हूँ। एक भाग ये करते हैं कि कोई यंग इन्वेस्टर है और वो लॉन्ग टर्म उसका गोल प्लान है, उसके लिए तो सिप ही जरिया ठीक है। जो सैलरीड बंदा है उसकी मंथली एक आय आ रही है और उसके सिप जा रही है, अच्छी बात यह है कि अब सेंटिमेंट्स एकदम चेंज हुए हैं। टैक्स कटने के बाद होगा क्या ये देखा गया पल्लवी, जिस कंट्री में कॉर्पोरेट टैक्स कटा है उसके इनडायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन उल्टा बढ़ी है। इनफैक्ट कॉर्पोरेट टैक्स की कलेक्शन भी पल्लवी बढ़ी है, क्योंकि होता क्या है कॉर्पोरेट टैक्स के बेनिफिट्स आपको कुछ कंपनीज आपको एंड यूजर तक पास ऑन करती हैं और वहाँ पे आपकी डिमांड इन चीज़ों की बढ़ती है जब प्राइसेस गिरते हैं। दूसरी बात रही जो क्लाइंट्स आपके बहुत शॉर्ट टर्म के लिए उनके पास मंथली फ्लोज नहीं है, शॉर्ट टर्म मानिए अगले 3-4-5-6 महीने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए STP का रूट ही बिल्कुल ठीक है। और जो क्लाइंट्स लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मानिए 15-20 ईयर्स तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके पास आज लमसम राशि है, वो ज़्यादा ना करके बस 2-3 बार में स्टैगर करके लमसम राशि डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला अगर जर्नी 100 से 1000 की है तो 100 पे आए, 110 पे आए, 120 पे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तीनों भागों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी कैटेगरी क्या है। बिल्कुल। तो जैसा कि क्षितिज ने आपको बताया, जैसे जैसा आपका टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि जितना आपके पास वक्त है अपना लक्ष्य को हासिल करने का, अगर ठीक है आप उसी तरह से निवेश की स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो आप आसानी से जो भी मनचाहा रिटर्न है वो हासिल कर लेंगे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया क्षितिज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए कि मार्केट की आज के करंट सिचुएशन में आखिरकार उनकी निवेश की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो आज के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही।